रुड़की की मंगलौर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने 449 वोटों से जीत दर्ज की है। कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन को 31,710 वोट मिले। दूसरे नंबर पर भाजपा प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना को 31,261 वोट मिले। वहीं बसपा के उबैदुर रहमान को कुल 19,552 वोट मिले। मंगलौर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन विजय घोषित किए गए। उन्होंने 449 वोटों से जीत दर्ज की है। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना को शिकस्त दी। जीत दर्ज करने के बाद काजी निजामुद्दीन ने कहा कि मंगलौर में लठतंत्र कायम करने की कोशिश की गई, लेकिन लोकतंत्र के आगे लठतंत्र हार गया। उन्होंने मंगलौर की जनता का आभार व्यक्त किया। काजी की जीत के साथ कांग्रेस का जश्न शुरू हो गया है। उनके समर्थकों में भारी उत्साह है। लोकतंत्र की जीत है और जो लठतंत्र चलाने की उत्तराखंड में कोशिश की थी, उस लठतंत्र का उत्तराखंड ने जवाब दिया है। यहाँ मैं सिर्फ आपसे एक बात कहना चाहूँगा, जो हमारे विपक्षी दल हैं, कि आप लोगों के दिल जीतने की कोशिश कीजिए, बूथ जीतने की कोशिश मत कीजिए, वरना जनता वही जवाब देगी जो अब मंगलौर विधानसभा उपचुनाव में दिया है। मैं मंगलौर विधानसभा की जनता का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने एक हेलीकॉप्टर के सामने एक मेरे जैसे इंसान को, पूरे तंत्र के सामने मुझको कांग्रेस पार्टी में विश्वास जताया। बहुत बहुत धन्यवाद। मंगलौर विधानसभा क्षेत्र का बहुत आभार। मेरी पार्टी के सभी नेताओं का, साथियों का, पूरे ज़िले और उत्तराखंड और उत्तराखंड से बाहर के तमाम लोग साथी आए, उनका दिल से मैं अत्यधिक उत्साहित महसूस कर रहा हूँ। ये जनता जनार्दन का प्यार है। उन्होंने बड़ी कठिन परिस्थिति में सत्ता दल के प्रलोभन, उनके दबाव, उनकी गुंडागर्दी, प्रशासन के हाई हैंडेडनेस, उनकी जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती, पुलिस की जोर जबरदस्ती के बावजूद जो है कांग्रेस को जिताया है। मैं मंगलौर की बहादुर जनता का भी को भी प्रणाम करता हूं और श्री बद्रीनाथ की विवेकशील जनता को भी प्रणाम करता हूं। उन्होंने वहां कहा दल बदलू नहीं चाहिए, हमको कांग्रेस चाहिए। निष्ठावान कार्यकर्ता लखपत बुटौला को उन्होंने कहा, आज हम हरेले के मौके पर एक पौधा लगा रहे हैं, ये वृक्ष बन करके श्री बद्रीनाथ की क्षेत्र की सेवा करने का काम करेगा। और यहाँ उन्होंने, मंगलौर की जनता ने अपने काजी को पुचकारा है, कहा है कोई बात नहीं, तुम पहले मामूली वोटों से रह गए थे लेकिन तुम डटे रहे और अब हम सारी बाधाओं, सारी दिक्कतों, सारे दबावों के बावजूद तुमको विजयी बना रहे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।